तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करूंगा BCA ग्रेजुएशन डिग्री के बारे में, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके बारे में मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूंगा। तो देखो दोस्तों इसमें, और मैं इसमें बताऊंगा कि आप सिर्फ 5 से 7 हज़ार रुपये में आप अपना BCA कंप्लीट कर सकते हो पूरा थर्ड ईयर का, और थोड़ा सा कंपेयर करूंगा उस कॉलेज से और थोड़ा सा अदर कॉलेज के लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप ग्रेजुएशन करते हो अगर BCA में, तो आप एप्लीकेशन के बारे में सीखते हो, ऐप डेवलपर हो गए या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, मतलब ये उसकी एक्चुअली में आफ्टर द कोर्स और आफ्टर द ग्रेजुएशन ये फील्ड्स होती है कि आप आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। अगर मैं आपको सी लैंग्वेज में बताऊं, जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन वगैरह होते हैं वो भी आप बना सकते हो, ऐप स्टोर पे एप्लीकेशन होते हैं उनको भी आप डिजाइन कर सकते हो। तो बेसिकली होता क्या कि जब कहीं हम लोग BCA करने जाते हैं तो पता चलता है वहाँ पे 1 लाख फीस है, 50 हज़ार रुपये फीस है, 1.5 लाख रुपये फीस है, प्लस हॉस्टल में फीस ज़्यादा है, इसके बाद आप पढ़ाई भी करते हो उसके लिए, और हो सकता है उसमें बैग भी आपकी लग जाती हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ एक अच्छे कॉलेज जहाँ पे ब्रांडेड है अपने में और जो अपने में एक ब्रांड है, तो मैं वहाँ की ये बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली होता है कि वहाँ पे वो सारी चीज़ें और आपकी फ़ीस भी कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो जब नॉर्मल बैकग्राउंड से होते हैं या मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं तो वो उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं। और BCA करके आप एक IT में अपना करियर शुरू कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप BTech नहीं कर सकते हो, आप उतने कैपेबल नहीं हो, और अगर BCA करके आप IT में जाना चाहते हो, तो उतना ज़्यादा मच डिफरेंस नहीं होता है BTech और BCA में, बस थोड़ा सा आप कह सकते हो कि वो BCA है और वो BTech है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, बट आप जा सकते हो दोनों फील्ड से, दोनों ग्रेजुएशन से, चाहे आप BCA हो चाहे आपका BTech हो। तो बेसिकली होता क्या कि जब आप जाते हो तो कहीं 1 लाख फीस, 50 हज़ार, 1.5 लाख, तो अगर आप कहीं रूरल एरिया से करते हो, मतलब विलेज से बिलोंग करते हैं, या मतलब आसपास आपके एरिया में वो कॉलेजेस होते हैं वहाँ से अगर आप करते हो, तो पर ईयर अराउंड कुछ 5 to 7 thousand के आसपास कुछ आपकी टोटल फीस होती है, और इसके बाद में आपका स्कॉलरशिप जो आता है ना, वो स्कॉलरशिप से आपकी जो फीस होती है टोटल, वो वहाँ से डिडक्ट हो जाती है। बस आपको इनरोलमेंट फीस वहाँ पे देनी होती है, 7 हज़ार के आसपास कुछ होती है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। अभी बेसिकली होता क्या, जैसे आप दिल्ली, गुजरात, पुणे, हैदराबाद, महाराष्ट्र, आप कहीं किसी और सिटी से करते हो, तो अगर एक ब्रांड कॉलेज है, एक बहुत अच्छा अपने में कॉलेज है, तो वो आपको 100% प्लेसमेंट दिलाता है। अगर वो नॉर्मल कॉलेज है और इतना ज़्यादा मतलब पॉपुलर नहीं है अपने में, तो आप ये मान के चलो कि वो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपको 95% प्लेसमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि एडमिशन के टाइम तो बता देंगे कि हाँ मैं आपको जॉब दिला दूंगा, ये कर दूंगा, इतनी कंपनी जाती थी, मिनिमम 5 लाख का प्लेसमेंट हुआ लास्ट टाइम, तो इस तरीके से बता देंगे। बट जो रियलिटी होती है बिहाइंड द कॉलेज, या वो आपको कॉलेज के बाद जब आप सक्सेसफुल पास आउट हो जाते हो तब आपको पता चलता। तो मेरा मानना यहाँ पे ये है कि जब अपने कोई जॉब ढूंढना है, अपने कोई पढ़ना है, तो किसी विलेज टाइप एरिया से आप वहाँ से BCA कर सकते हो, और वहाँ पे एडमिशन लेके आप अपने ग्रेजुएशन डिग्री करो, और इसके बाद में जो कॉस्ट आप बड़े कॉलेज में दे रहे थे एज अ फीस, वो फीस अपने ऊपर डालो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, और किसी इंस्टीट्यूट से, कहीं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कम्युनिकेशन सीखो। इसके बाद में अब जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, वो चाहे जावा हो, PHP हो, या एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो वो आप सिर्फ 1 ईयर की फ़ीस अगर आप वहाँ पे देते हो ना, सिर्फ BCA की 1 ईयर की फ़ीस में आपके अंदर इतना ज़्यादा कैपेबिलिटी आ जाएगी, आप इतना ज़्यादा सीख जाओगे, आपको वहाँ पे कॉलेज में सीखने की या कॉलेज में जाने की नीड ही नहीं रहेगी। और बहुत से कॉलेज ऐसे हैं, इवन एग्ज़ाम तक वो लोग भी करा देते हैं, अगर आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है BCA का, तो 1500 रुपये दे के आपको वहाँ पे नकल भी मिल जाती है, OBs वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं, बट आपको साइड बाय साइड अपने एंड पे प्रिपेयर होना पड़ता है कि नहीं, एज अ इंडस्ट्री के लिए क्योंकि जॉब आपने ही इन द लास्ट ढूंढनी है। तो जितनी फीस 1 ईयर आप वहाँ पे देते हो किसी अच्छे कॉलेज में, उतना आप अपने ऊपर लगा के किसी इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ से आप कम्युनिकेशन करो, इसके बाद में कोडिंग सीखो, प्रोग्रामिंग सीखो, और वहाँ पे जाके आप प्लेसमेंट ले लो, फिर अपने दम पे खुद ढूंढ लो, आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, और इसके बाद में आपका वहाँ पे जो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए या इंडस्ट्री या कंपनी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो आपको चाहिए, वो आपने सेकेंड हैंड पे सीख रखी हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप वहाँ कॉलेज में 1.5 लाख दे, तो इन द लास्ट आपको थर्ड ईयर जब खत्म होता है उसके बाद जाके फिर भी आपको सीख के ही जॉब मिलती है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अगर आप नॉर्मल कॉलेज में पढ़ते हो तो वही सेम वहाँ पे भी होता है। अगर आपको इस तरीके कुछ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है या स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, इस पर मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, अगर किसी को भी एडमिशन रिलेटेड चाहिए कानपुर के एरिया में,
या आप अगर करना चाहते हो, जरूरी नहीं कि आप वहाँ पे आपको रहना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस इनरोलमेंट कराना है, आपका रोल नंबर मिल जाएगा और आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने जाने हैं जितने एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या अगर आपको एडमिशन चाहिए उसमें, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे भी आ रहा है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट हाँ, सिर्फ वही लोग भी करें जो करवाना चाहते हैं, या क्योंकि फिर अगर आप सिर्फ डिस्कस करने के लिए करते हो तो मेरा डिस्कशन चार्ज ही 299 रुपीज़ है। अगर आपको करना है, अगर आपको एडमिशन करवाना, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, वहाँ से नंबर नोट डाउन करके आप मुझे व्हाट्सअप पिंग कर सकते हो और उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।